हेलो भाइयों, फिर से स्वागत है हमारी ड्रैग रेस में। आपको लग रहा हो ना ऐसी गाड़ी को खड़ी है कहीं टग ओवर उल्टी उल्टी तो नहीं होने वाली? नाना भाई, टग ओवर का कोई सीन नहीं है। एक तो भाई बस एक थंबनेल के लिए ऐसी खड़ी करी थी। दो गाड़ियां जिसकी होने वाली है मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर भाई, ये है 2015 मॉडल, ये 2021। भाई बहुत फ़र्क है, ये बहुत पुरानी गाड़ी हो गई अपनी। पर भाई पावर स्पेक्स की बात कर लेते हैं। जो अपनी सफारी 170 BHP के साथ आती है, 350 Nm का टॉर्क भाई शेप के हिसाब से देखो है ही। पर जो अपनी ये वरना है फ्लूडिक इंजन, ये तो भाई एक टाइम पे लेजेंडरी गाड़ी हुआ करती थी अपने टाइम की। इसमें पावर स्पेक्स की बात कर लेते हैं। पावर थोड़ी कम है, 126 BHP है और टॉर्क है भाई 260 Nm। वेट का भाई जमीन आसमान का भाई वेट का फ़र्क है। तो दोनों को भगा के देखते हैं कौन सी जीती कौन सी नहीं। भाई ये सब एक तो पहले बता देता हूँ, ये वीडियो होती है भाई इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए और हमारे थोड़े चैनल के लिए। तो भाई प्लीज़ इसे कभी भी रोड्स पे ट्राई ना करें। हम जहाँ ट्राई कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे खाली पाथ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है भाई ड्रैग रेस से। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, राउंड वन कर रहे हैं, जिसमें सफारी चला रहा हूँ मैं। और भाई अपनी वरना फ्लूडिक जो है OG वो चला रहे हैं भाई। क्या हो गया? गौरव भाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। तीन ऑन आप बजा दो। AC ऑन पहला राउंड, AC ऑन है पहला राउंड भाई। एक और बात जान दो ना, अंकल मजे ले रहा है। वो मैनुअल है, ये अपनी ऑटोमेटिक। AC ऑन, स्पोर्ट्स मोड नहीं है उसमें, सिटी मोड नहीं। यही को चलो पहला राउंड सीधा ये करते हैं। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, तीन ऑन आप? चलो मैं कर रहा हूँ तीन ऑन, तो पहला राउंड कर रहे हैं। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड।140 में वरना निकल रही है आगे भाई। कुत्ता मरा दे भाई, तो भाई भाई जा रहा कह रहा भाई से लाऊंगा भाई भाई। डबल पेडल ब्रेक को ज्यादा लेगा सीरियस, अभी टेस्टिंग करके आता हूं भाई। भाई पनवेल नहीं निकलना, रुक जा। मेरा थोड़ा वीडियो में भी ध्यान चला गया था। हाँ। अब करूंगा ढंग से टाइट करके भाई। अभी जो वो भी था ना यार भाई, कह रहे क्या बोर्ड में भी थी, कहा रह गया भाई? भाई निकल गया पलवेल। Two hours later. भाई मान ली भाग रही थी कैसे एकदम ही पनवेल, सुबह सुबह ही गोवा लास्ट में। नहीं हमने छोड़ दी थी भाई, हम तो जीत गए थे। हमारी ड्रैग रेस तो वहीं तक थी, सवारी जीत गई, अपनी ड्रैग रेस वहीं तक थी। फुल पोटेंशियल पहला राउंड तो भाई वरना क्लियर विनर। सेकंड राउंड में भाई अपना AC ऑफ, नहीं फुल पोटेंशियल पे चलाओ, देखते हैं ना कितनी खींचेगी, उसका भी बताऊंगा। खींचो तो सही, स्पोर्ट्स मोड है भाई, फुल पोटेंशियल। तीसरा राउंड ऐसे करेंगे भाई, अपनी जीत ही जाएगी ना दूसरा राउंड। ट्रैक्शन वही लूज थोड़ी करती है गाड़ी, फिर ट्रैक्शन लूज नहीं करी ना, व्हील स्पिन मारती है। AC ऑफ कर दो भाई, दोनों गाड़ियों का AC ऑफ है। सेकंड राउंड में सीधा क्लियर है, तीन राउंड में मार रहा हूँ, ठीक है ना। पार्किंग ब्रेक रह गया भाई, वो पार्किंग ब्रेक ऑन रही। चलो अब निकल गई,
चल चल भागना, भक्ति क्यों नहीं है भगनी? भाई भाई बहुत कवर कर दिया। अरे 120 पे अब निकाल देगी, 120 पे निकाल देगी, 140 पे जाके गैप बनाया है इसने गाड़ी ने, फिर ब्रेक मार ली हमने भाई। तो ये फ्रैंक हो गए एक्सेल साइड से, फिर चले गए वहीं से आएंगे ये घूम के। भाई पूरा पंजे पे खड़ा हो गया था मैं, पर भाई अच्छी भाग रही है भाई, सफारी अच्छी भाग रही है, मेरे को लगा था इतना भी कंपटीशन दे देगी। एसयूवी भाई, हाँ एसयूवी गाड़ी है वो, सेडान है और 1.6 ओजी भाई यार। इस बार आई ना जैसे वो भी था, मैनुअल में भी थी और उसमें स्पोर्ट्स में थी, स्पोर्ट्स में थी, भाई ने पूरी टक्कर दे दी। हाँ एसी ऑफ था ना अपना? हाँ ऑफ था भाई, देखिए भाई टक्कर रही यार भाई, सही बताऊं चलो वरना जीत रही है, है? पहले वाला नहीं, नहीं भाई वरना जीत रही है, पर यार इतनी भाग रही है गाड़ी, मैं मान गया भाई सफारी को, भाई साहब ओजी है भाई, हाँ 16 cc वरना डीजल रॉकेट है ये भी क्रूज के बाद, हाँ आज के टाइम पे ही है भाई। तो भाई थर्ड राउंड कर रहे हैं जिसमें अक्ष भाई चला रहे हैं अपनी सफारी, सफारी भाई इस बार तो जीतनी है, खैर दोनों बारी जीत गई, इस बार भी जीतनी है, और भाई अपनी वरना चला रहे हैं गौतम भाई, फुल पोटेंशियल पे दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं, देख लो मैं पहले ही बताई थी मैनुअल है ये, वो भाई अपनी ऑटोमेटिक है, ये फर्क है, ये फर्क है। हाँ तो भाई कर रहे हैं थर्ड राउंड सीधा, सीधा निकाल देंगे तो। परफेक्ट लॉन्च, साइड में दिखा दो नहीं रैक्स भाई, क्या हो गया यार तुमने तो सारी इज्जत की वो करवा दिया भाई, ब्रेक ले ली क्या तुमने भाई गाड़ी देखो 130 तो पता ही नहीं चलता गाड़ी में कब पहुंच जाती है। बस भाई बस क्लियर विनर है, क्लियर विनर है, निकल के ले लेते हैं, हां क्लियर विनर है, बहुत इजी विन निकल रही है, तभी बेचने को मन नहीं करता यार इसे गाड़ी है कुछ है। क्या कर रहा था तू? पता नहीं अबे तूने बताऊं क्या किया, तूने जल्दी लॉन्च किया था मेरे हिसाब से भाई, थर्ड बिल्कुल थर्ड पे हुआ है, बिल्कुल थर्ड पे हुआ था, थर्ड पे हुआ है, हां चलेगो ना रेमोट लगाते हैं यहीं से, कोई सेंस नहीं हारेगी आर्मी तो है ही, देख लेते हैं। चल काम करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे ले लो, जहां ये पाइप है ना ब्लैक वाला, यहां से रोलिंग करते हैं पहले या दूसरे गियर, हां लाइन से पहले या दूसरा गियर, ठीक है 20 की स्पीड, अबे दूसरा गियर 40, अरे मैनुअल तुम तो उस पे रखो ना 20, दूसरे गियर पे ही 20 की स्पीड पे, हाँ साथ साथ रखना 20 पे दोनों गाड़ी। तो भाई फोर्थ राउंड कर रहे हैं, रोलिंग है, एसी ऑफ है, 20 की स्पीड, अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर, वो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है पर मैनुअल में शिफ्ट करके फर्स्ट गियर पे ही चल रही है। चलो पहले 20 तक लेके चलते हैं गाड़ी को, 20 तक देख लो, 20 पे रखो लाइन पे ना, लाइन से, हाँ भाई 20 पे लाइन से है, चलो अब सफारी कंपटीशन मारी है भाई, तो पुल हाथ में यूं ही रख के चला रहा है, जान दे सीधी भाई, रोलिंग भी जो है अपनी क्लियर, यही जीत रही है, लग गए भाई जीत गए, जीत गए सेडान का फायदा है भाई, एरोडायनामिक्स हो गए, बहुत फर्क पड़ जाता है भाई। वो भी लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी सही भाग रही है, वो सेगमेंट दिखा देना ना अभी धूल उड़ाते हुए यार भाई एक बात है, इसने है ना रेंज रोवर के जो प्लेटफॉर्म लिया है टाटा ने, सफारी की जो स्टांस है ना भाई बहुत प्यारी हो चुकी है, सफारी की स्टांस X7 वाली थोड़ी दे दी है, मजा आ गई। और कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही, तो भाई तीनों राउंड जो है ना अपने वो सीधा सीधा वरना निकाल रही है, 100 तक टक्कर दे रही है दो राउंड में भी जो अपनी सफारी है, लेकिन उसके बाद भाई 100-120 के बाद तो वरना छूमंतर हो जाती है। उससे कुछ रीजंस बताऊं भाई, इसकी BHP भी कम है, ये लगा लो कम से कम 40 BHP का कम फ़र्क है, और भाई 260 Nm है ये 350-100 Nm का मोटा मोटा फ़र्क दोनों गाड़ियों की उसमें है, टॉर्क में है, लेकिन भाई जहाँ ये गाड़ी इस गाड़ी को मात दे रही है वो है भाई गाड़ी के एरोडायनामिक्स और गाड़ी का हल्का वेट, उसकी वजह से अपनी वरना है वो क्लियरली इससे निकल रही है, और भाई सबसे मेन रीजन OG वरना फ्लूडिक 1.6 प्योर, जो 1.6 डीजल इंजन आता था वो था इस गाड़ी में,
बाकी भाई अगर आप में से भी किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, कमेंट, शेयर कर दो वीडियो को। आपका ही चैनल है, आपके लिए सारी मेहनत हो रही है। अगर आप में से भी किसी को ड्रैग रेस करानी है या फिर भाई गाड़ी का रिव्यू करवाना है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री राम।